सुबह से है जो कि जिला परिषद के चेयरमैन का चुनाव 11 बजे शुरू हो गया था और इस वक्त हम आपको बता दें कि एक बार फिर इनेलो ने अपना गढ़ के अंदर है राज कर लिया, क्योंकि आज बात करें तो करण चौटाला है वो जिला परिषद के चेयरमैन बने हैं और 24 जो जिला परिषद के इसमें कैंडिडेट थे और उसके अंदर अगर बात करें तो 19 लोगों ने जो अपना यहाँ पर मतदान किया है और 12 लोगों के तरफ से वोट डालने पर है जो बहुमत से करण चौटाला है यहाँ से चेयरमैन बने हैं। तो उसको लेकर है अभी हम पंचायत भवन में मौजूद हैं। यहाँ पर आज सुबह 11 बजे चुनाव शुरू हुआ था और करीबन 2 बजे है परिणाम सामने आ गए। तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो इनेलो के कार्यकर्ता है उनके अंदर खुशी की लहर है और किस तरह से अभी भी ताऊ देवीलाल अमर रहे के नारे है। जिस तरह से जैसे ही डिक्लेयर हुआ कि करण चौटाला यहाँ से चेयरमैन बन गए हैं उसी दौरान है नारे लगने शुरू हो चुके थे और लोगों के अंदर काफी उत्साह था। तो आपको जो तस्वीरें हैं इस वक्त हम पंचायत भवन की दिखा रहे हैं कि किस तरह से इनेलो के अंदर आज भी एक जोश देखने को मिल रहा है और अब करण चौटाला है जो कि यहां से निकल चुके हैं और उनके जो समर्थक हैं वो भी उनके साथ है और एक अब देखना होगा कि किस तरह से अब क्या पहला विकास कार्य रहेगा और किस तरह से अब जो जनता के साथ वादे किए हुए थे उन पर एक खरा उतरेंगे। 27 साल से सिरसा में चौटाला का बज रहा डंका, अभय के बाद कर्ण बने चेयरमैन। जिला परिषद सिरसा में इनेलो का दबदबा बरकरार है। 24 सीटों वाली सिरसा जिला परिषद में शुक्रवार को चेयरमैन और वाइस चेयरमैन पदों को लेकर चुनाव हुए। इस चुनाव में एलनाबाद के विधायक अभय सिंह चौटाला के बेटे कर्ण चौटाला जिला परिषद के चेयरमैन चुने गए हैं। मीना कंबोज वाइस चेयरमैन बनने में सफल हुई है। पंचायत भवन में शुक्रवार सुबह गहमागहमी के बीच मतदान प्रक्रिया शुरू हुई। कुल 24 में से 19 सदस्य ही इस प्रक्रिया में हिस्सा लेने के लिए आए। ऐसे में कोरम पूरा होने के बाद निर्वाचन अधिकारी एडीसी आनंद शर्मा की ओर से वोटिंग प्रक्रिया शुरू करवाई गई। दोपहर बाद नतीजे घोषित कर दिए गए। नतीजों के अनुसार अब करण चौटाला जिला परिषद सिरसा के चेयरमैन बन गए हैं। इसके साथ ही अपने गृह जिला सिरसा में इनेलो और चौटाला परिवार का दबदबा बना हुआ है। विशेष बात यह कि जिला परिषद सिरसा में पिछले करीब 27 साल से चौटाला का डंका बजता आ रहा है। साल 1995 से लेकर 2000 तक पूर्व विधायक मनीराम की बेटी जिला परिषद की चेयरमैन रहे। 2000 से लेकर 2005 तक इनेलो की ओर से राधे राम गोदारा जिला परिषद के चेयरमैन बने। 2005 से लेकर 2010 तक खुद अभय सिंह चौटाला जिला परिषद के चेयरमैन रहे। 2010 से लेकर 2016 तक इनेलो के डॉक्टर सीताराम इस पद पर बने रहे। 2016 से लेकर 2021 तक इंडियन नेशनल लोकदल की रेणु बाना जिला परिषद सिरसा के चेयरमैन रही। इस तरह से जब से जिला परिषद का गठन हुआ है तभी से लोकदल का दबदबा सिरसा में बना हुआ है। खास बात यह है कि जिला परिषद के हाल ही में हुए चुनाव में 24 सीटों में से इनेलो को 10 सीटों पर जीत मिली थी। बहुमत के लिए 13 का आंकड़ा चाहिए था। हालांकि आज चुनाव के दौरान 19 सदस्य ही पहुंचे और 5 सदस्य वोटिंग प्रक्रिया से गैर हाजिर रहे, इसलिए कोरम भी पूरा हो गया और चेयरमैन बनने के लिए 10 वोटों की जरूरत थी। विशेष बात ये है कि करण चौटाला पिछले करीब 6 वर्ष से राजनीति में सक्रिय है। 2016 में जिला पार्षद चुने गए थे और जिला परिषद के वाइस चेयरमैन बने थे। इससे पहले 2013 में दादा प्रकाश चौटाला अजय चौटाला को जेल हो जाने के बाद राजनीति में सक्रिय हुए थे। विदेश से बड़े करण चौटाला उस समय राजनीति में आए जब संकट के मोड़ पर खड़ी थी। देवीलाल की चौथी पीढ़ी ने राजनीतिक विरासत को संभाला और अब छोटी पंचायत की सबसे बड़ी इकाई जिला परिषद के चेयरमैन बन गए हैं। दिलचस्प यह भी है कि भी कई दशक पहले अभय चौटाला ने भी पंचायत चुनाव के जरिए राजनीति में सक्रिय हुए थे। अभय चौटाला सबसे पहले ग्राम पंचायत चौटाला के सदस्य चुने गए थे। बहुत बहुत अच्छी तरह सारी चुनाव प्रक्रिया हुई और शांतिपूर्वक चुनाव था और मैं तो सरकार का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने एक बार में चुनाव करा दिया, नहीं तो कई बार देखने को मिलता है कि बारी बारी चुनाव को डिले किया जाता है, पर सरकार का इसके लिए धन्यवाद करूंगा। किस तरह से वोटिंग प्रक्रिया हुई, कितने वोट आपको मिले? जैसे जैसे आम चुनाव में वोटिंग प्रक्रिया होती है ठीक उसी प्रकार से ईवीएम पे हुई और 12 वोट लेकर के
हम विजय होकर के आए हैं। कितने नामांकन आए गए, नामांकन कितने आए? नामांकन प्रेसिडेंट के लिए 3 थे और वाइस प्रेसिडेंट के लिए 2 थे। क्या प्राथमिकता रहेगी? प्राथमिकता अब जाके एक बार ऑफिस संभालेंगे और जैसे जैसे सरकार की तरफ से ग्रांट आएंगी, जो जो स्कीम्स आएंगी, उनको जल्दी से जल्दी जनता के बीच में इम्प्लीमेंट करवाने का काम करेंगे। मैं सबसे पहले तो मीडिया वाले साथियों का भी धन्यवाद करता हूँ और जो हमारा जिन्होंने हमारा सहयोग किया, हमारे छोटे भाई साहब हैं विनीत जी, अपने संजू भाई, श्याम जी, जो हमारे साथी रहे, हमारी टीम के काफ़ी मेंबर ऐसे रहे हैं, धीरज जी हैं, तो काफ़ी हमारा जो युवाओं की टीम थी, तो मैं उस सारी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो सभी के नाम तो नहीं ले पाऊँगा लेकिन सभी का धन्यवाद करता हूँ। ये सुनील कबीरा या मीना कम्बोज, इनकी जीतनी है, आप सभी लोगों की जीत है और हम धरातल पर रह करके जो आप लोगों की अपेक्षा है हम उनके ऊपर खरा उतरने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।